वेलकम टू सितारा किचन एंड वीलॉग्स। तो आज मैंने देखा कि यहाँ पर कैशियूज एंड नट्स ये सब जो है चॉप किए जा रहे थे, कुछ शक्कर भी रखा हुआ है यहाँ पे, घी भी रखा हुआ है और इतने सारे गाजर भी रखे हुए हैं। सो आई थिंक गाजर का हलवा बनने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस एंड माई वाइफ मेक्स इट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेस्टी। एंड घी भी है, शी हैज़ प्रिपेयर्ड एवरीथिंग एंड वी आर गोना सी हाउ दिस कम्स अप एंड हाउ डज इट टेस्ट वेन इट्स ऑलरेडी वेन इट्स रेडी टू ईट। तो लेट मी आस्क माई वाइफ इफ शी इज़ मेकिंग द सेम थिंग। गाजर का हलवा ही बनाने वाले हम लोग, जी बिल्कुल। माशाल्लाह। अभी मैं ज़्यादा अगर मैं काजू खा लूँगा तो शी विल बीट मी लेटर, सो आई विल नॉट, विल मेक द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम आ गया है और गाजर का हलवा ना खाए तो क्या खाए। तो देखिए, मैंने उसके लिए यहाँ पे कुछ 1.5 किलो जैसा मेरा ये गाजर है, मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, मतलब इस तरह के मीडियम साइज़ के गाजर ले। और ज़्यादा मोटा गाजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा लेते हैं, देखिए इसके बीच में जो वाइट वाइट जैसा रूट जैसा निकलता है, उससे हमारा गाजर का हलवा टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए कभी भी आप गाजर ले तो इस तरह से आप अच्छे से चुन चुन कर गाजर लेना चाहिए। और देखिए, गाजर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर वैसे ही मीठा रहता है पहले से ही, तो इसमें चीनी का उतना कोई कमाल नहीं है। गाजर मीठा रहेगा तो अपने आप हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी बनती है। इंशाल्लाह। तो देखिए, गाजर तो मैंने आपको दिखा दिया और हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो देखिए, मैंने इसको हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 0.5 लीटर दूध लिया। ये देखिए फुल क्रीमी दूध है, इसको मैंने बहुत ही अच्छा से उबाल लिया। इनफैक्ट इसमें मलाई भी बहुत ही अच्छे से आ गई। देखिए, 0.5 लीटर दूध है हलवा में, आप जितना दूध डालेंगे उतना ही हलवा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए दूध, और यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, ये तकरीबन 25-25 ग्राम है काजू बादाम, और ये 5 से 6 इलायची, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। और ये देखिए अमूल का काओ घी है, वैसे तो घी पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा डालूंगी जब मेरा हलवा पूरा बन जाएगा। और पूरे हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डालडा लिया है, ये डालडा बहुत ही अच्छा रहता है, वनस्पति का है। और ये देखिए शक्कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से मिलाकर बनाएंगे हम गाजर का टेस्टी यम्मी यम्मी हलवा। इंशाल्लाह। तो देखिए, अब मैं गाजर को इसको खुरच लेती हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसी तरह से गाजर लेना चाहिए। माशाल्लाह, देखिए मैंने पूरा गाजर को इस तरह से घिस लिया। और सॉरी, हाँ मैंने आप कुछ टाइम बताना भूल गए कि मैंने गाजर को फर्स्ट जो घिसने के लिए ली थी, तो मैं उसको अच्छे से उसको छिलका नहीं निकाला था, बाद में मुझे याद आया तो मैंने सारे गाजर को अच्छे से छिलका निकाल लिया। और देखिए मैंने इससे खुरच लिया था, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, इसमें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से घिस गया मेरा सारा गाजर। उस टाइम मैं इसी घिस रही थी, बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने इससे घिसा, तो माशाल्लाह अच्छे से घिस गया। तो देखिए ये हो गया था, तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए, बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैस को करती हूँ ऑन, और उसके बाद गैस को कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है और अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी घी। ज़्यादा घी नहीं डालना है मुझे, पहले मैं थोड़ा ही घी डालती हूँ, घी को थोड़ा मेल्ट होने देती हूँ। माशाल्लाह, देखिए घी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, और अब मैं इसमें गाजर डालती हूँ। गाजर को आप बिना घिसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे घिस के बनाने से कैसा रहता है ना, दाने दाने पे जो इसका टेस्ट आता है ना खाने में, मुँह में जो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, कभी मैं वो बिना घिसे भी बनाती हूँ, मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा बनाना है नहीं बनाना है। तो आज मैं इसको घिसा हुआ मतलब घिस करके बनाऊंगी। तो देखिए अभी गाजर कितना भरा था कढ़ाई में, अभी इसको अच्छे से भून भून के ये इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो गाजर के हलवे में ज़्यादा मेहनत बस भूनने में ही लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। माशाल्लाह ये फिर बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए अभी पहले लाल था, अभी इसको इतना भून भून के मैंने इसका कलर एकदम इसको चेंज हो गया है, अब ये ऑरेंज हो गया है। और पहले तो मुझे लग रहा था कि इस कढ़ाई में होगी भी नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह देखिए धीरे 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 इसकी जो भी मॉइस्चराइज़र रहते हैं गाजर में, पानी जो रहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह ये सूख रहा है। और ये देखिए
आप इसको कंटिन्यू खड़े होकर ना बनाए, आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखते रहे कि ये जले भी ना। तो अभी ऐसे ही मैं इसमें ये जो मैंने इलायची को कूट के रखा था इसको मैं डाल देती हूँ। शुरुआत से ही डालेंगे तो क्या है, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए पैन को मैंने थोड़ी कवर कर दी थी, तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये गल चुका है ये। तो अब देखिए इसमें मैं, और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं पहले कितनी थी अभी कितनी है, कम हो चुकी है। तो अब इसी स्टेप में मैं यहाँ पर दूध डालती हूँ। देखिए ये उबले हुए दूध है। 1.5 किलो गाजर के लिए आधा लीटर दूध इनफ है। पहले आप गाजर को भून ले, फिर अच्छे से इसको पकने दे पैन को कवर करके, फिर इसमें दूध डाल के इसको पकाए। और गैस को फ्लेम को आपको हाई मीडियम करते रहना है, देखते हुए पकाना है कि कहीं जल तो नहीं रहा है। अभी मैंने दूध डाल दी हूँ और इसको चला भी दी हूँ अच्छे से। तो अब मैं वापस से इसको कवर कर देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए 10 मिनट तक दूध डाल करके इसको मैंने पैन को कवर करके पका ली थी। और अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, चीनी को भी गलने में टाइम लगता है। शक्कर थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बिना कंडेंस मिल्क बिना मावा बिना खोया के बना रही हूँ। इसके लिए शक्कर थोड़ा डालना चाहिए, ज़्यादा डालना चाहिए। और हलवा खीर ये सब जो बनती है ना थोड़ी मीठी, ज़्यादा मीठी रहती है तो ही अच्छी लगती है। तो अब शक्कर भी डाल चुकी है और अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुका है और देखिए माशाल्लाह हलवा मेरा बहुत ही अच्छा से पक चुका है, बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है। प्योर घी है, गोवर्धन प्योर घी, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी। और अब इसमें कैसा है, ये तो माशाल्लाह तकरीबन गल चुका है और पक भी चुका है। तो अब मैं इसको, अब कैसा भूनने का काम करना है हमको, तो गैस के फ्लेम को मैं थोड़ा हाई करती हूँ। 10 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया था ताकि अच्छे से पक जाए। तो अब मैं ये जो प्योर घी है इसको डाल डाल के थोड़ा थोड़ा हमको भूनना है, क्योंकि हलवा जो रहता है ना हम ऑयल वगैरह से नहीं बना सकते, हलवे का असली मज़ा घी में ही है। जितना वो घी में रहेगा दूध में रहेगा उतना ही हलवा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो आप इसको डालडा से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बात घी में होती है वो बात किसी और चीज़ में नहीं। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल डाल के भूनते रहूँगी, अब बस इसको भूनना ही है, सारा कमाल भूनने में ही है। तो अब ये घी डाल चुकी हूँ मैं इसमें, और अभी मैं ये जो देखिए मैंने जो काजू रखा था इसको भी मैं डाल देती हूँ ताकि अब अच्छे से ये इसमें पके। थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए बादाम, थोड़ा थोड़ा दोनों रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे काजू बादाम और घी डाल के हो गया था। तो देखिए मेरे पास अमूल स्प्रे की इन्फेंट मिल्क फूड इंस्टेंट मिल्क है, तो मैंने यहाँ पे कोई खोया और ना ही कोई कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल की हो। मैं यहाँ पे मेरे पास पहले से ही थे ये मिल्क पाउडर दूध, तो मैं इसको मैं थोड़ा डालूँगी तो क्या है ये बहुत ही टेस्ट और भी बहुत ही अच्छी लगेगी। मतलब ये खोया और मावा का जो भी बोलते हैं उसका फ्लेवर देगा। ये पाउडर मिल्क डालने से ना एकदम खोए वाली मावे वाली टेस्ट देता है ये। वैसे तो दूध को मैंने पहले ही अच्छे से उबाल लिया था, मतलब आधा लीटर दूध को इतना उबाली थी मैं कि वो एकदम उसकी जो क्वांटिटी रहती है उबाल उबाल के मैंने उसको कम कर दिया था। गाजर के हलवे में, दूधी के हलवे में भूनना ही बहुत कमाल की बात होती है, क्योंकि इसका सारा मेथड भूनने में ही आप यहाँ पे बहुत यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है इसको बनाने में, क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है इसको बनने में।
क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो देखिए अभी 10-15 मिनट और मैंने इसको भून ली थी, तकरीबन ये तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और मैं इसमें ये घी डाल देती हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बोली थी घी और दूध का ही कमाल है इसमें। जितना ज़्यादा घी और दूध रहेगा हलवा उतना ही अच्छा बनता है। माशाल्लाह देखिए कलर भी इसकी कितनी अच्छी आई है। देखिए मैंने जो घी डाली थी अभी वो देखिए कढ़ाई के चारों तरफ से सेपरेट हो चुका है। देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे एकदम माशाल्लाह ऐसे ही रहना चाहिए। और इसको स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था। आप कभी भी हलवा या कुछ भी आप स्लो फ्लेम पे रखते हैं तो देखिए आपका तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते इस तरह से कढ़ाई में अगर छोड़ दे अलग से, तो समझिए आपका जो भी आप बना रहे हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बन चुका है। तो आप समझ जाइए अब ये गर्मा गर्म हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म हलवा तैयार है। एकदम शादियों में भी ऐसे ही बनते हैं ये हलवा, इसमें कुछ अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नानी दादी अम्मी भी ऐसे ही बनाया करते हैं। ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका है बनाने का। थोड़े से यहाँ पे मैंने जो रखा था ड्राई फ्रूट्स, इसको मैं गार्निशिंग में ऐसे डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो बेगम जी ने तैयार कर ही लिया है इतनी सारी मेहनतों के बाद, एंड इट लुक्स फैंटास्टिक एंड डिलीशियस, वेरी वेरी नाइस। वैसे जब बन रहा था तभी मैं बहुत काजू बादाम खा चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, और अगर मैं उतना नहीं खाता तो शायद इसमें क्वांटिटी और ज़्यादा होती। सॉरी फॉर दैट। बिस्मिल्लाह। आई जस्ट कांट अप्रिशिएट इनफ, आई जस्ट कांट। वेरी डिलीशियस, थैंक यू सो मच। बाय द वे, वी फॉरगॉट टू टेल यू दैट वी कंप्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स, और उसी की खुशी में हमने ये बनाया भी, एंड वी शेयर द रेसिपी विद यू। सो आई डोंट नो हाउ टू से अबाउट दिस, बट 500 इज़ नॉट मच, देर आर 5 million सब्सक्राइबर टू सम ऑफ द चैनल्स, बट वी कंप्लीटेड 500 and it's a great joy for us, the love and support that you people have been showing onto the channel is appreciated. Thank you so much.